He's good at this. Everybody, use Ralphie Plus. Use. अरे तालियां बजा दो यार. घर की सब लड़के नहीं होते. Thank you. What is she good at? She loves to play football. Ooh. She want to go to pet owner. Problem. Yay. Sit. आज नहीं सुन रही है. हेलो, I love you. उसको नए नए कपड़े पहनना बहुत पसंद है और उसको बकरी का बच्चा बोला तो उसको बहुत अच्छा लगता है. शीज कॉकर स्पैनियल. मिश्री कम. मिश्री सेट. सेट. देखे नहीं सुन रही है. सॉरी मिस टू थ्री. नजर आए क्या कहेंगे इस मौके पे? देखो आईसी कॉलोनी में हम लोग ने 10 साल पहले ये पेट पार्क की एक कॉन्सेप्चुलाइज किया और आज तेजस्वी गोसलकर कॉर्पोरेटर के माध्यम से आज इसका अपग्रेडेशन हुआ है. आज इस गार्डन में आदित्य ठाकरे जी दो बार आ चुके हैं और उन्होंने हमें यहाँ पे फंड भी यूटिलाइज करने उनका दिया था और आज एक अलग तरह का पेट पार्क आज वार्ड नंबर 1 में आईसी कॉलोनी बोरेली में दिख रहा है. हर साल हम लोग यहाँ पे एक दो इवेंट पेट्स के लिए करते हैं. ये साल हम लोग ने एक अलग इवेंट किया है कि प्री दिवाली इवेंट, मतलब जो दिवाली अभी आ रही है उसके पहले जो पेट्स ओनर्स है उनके लिए हम लोग ने यहाँ ग्रूमिंग फैसिलिटी यहाँ पे रखी थी. यहाँ पे हम लोग ने एक छोटा स्विमिंग पूल भी पेट्स के लिए बनाया है. आज उनका भी उन्होंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है. उसके साथ साथ यहाँ पे रैंप वॉक फैशन शो आज डॉगी का और उनके पेट ओनर्स का हम लोग ने यहाँ पे रखा. तो ये पूरा कॉलोनी जो अगर देखे तो 800-500 से ज़्यादा आज पेट ओनर ये कॉलोनी में रहते हैं और उनके लिए एक अच्छा गार्डन देने का काम आज नगर सेविका तेजस्वी गोसलकर के माध्यम से यहाँ पे हुआ और इसी तरह कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे और लोगों का बहुत सारा सपोर्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है. मेरे ख्याल से पार्ला अंधेरी दादर से लोग आज ये पेट पार्क यूज करने यहाँ पे आते हैं तो एक डेस्टिनेशन पॉइंट हुआ है. एक वन ऑफ द मुंबई का सबसे पहला पेट पार्क करके आज इसको कहा जाता है. अभिषेक जी भी दिया गया
बताइए क्या कहेंगे? देखो कैसे है कि जानवर हम बोलते हैं लेकिन वो मुंह से अपनी बात कह नहीं सकते, लेकिन इंसान ऐसे एक प्राणी है जो अपनी बात रख सकता है, अपने दुख सुख बांट सकता है। तो मेरे ख्याल से ये जो बोल नहीं सकने वाले जो जानवर है उनको भी इस तरह का, हम लोग स्ट्रीट पे भी रहने वाले जो जानवर है, डॉग्स है, उनका भी हम लोग ख्याल रखते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे एनजीओज है, आज हम लोग इनके लिए एक अलग तरह की सिमेट्री, पेट सिमेट्री भी हम लोग ला रहे हैं, उसका भी काम जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। तो इस तरह का अलग अलग पेट्स के लिए काम हम लोग हमारे लिए वार्ड में कर रहे हैं। हम एनिमल नहीं ला सकते क्योंकि आपको मालूम है हमारी पॉलिटिकल लाइफ है, लेकिन फिर भी अगर ये जो जानवर मुंह से नहीं बोल सकते, इन जानवर के लिए हम लोग कुछ करना चाहते थे। आपको पता होगा तो हम लोग ने फिश पार्क, मेरे ख्याल से मुंबई में ये पहला ऐसा फिश पार्क रहेगा जहाँ पे हम लोग ने बड़े बड़े टैंक्स रखे, वहाँ पे पिकनिक्स आती है, बच्चे लोग देखने आते हैं खास करके वो फिश पार्क क्या है करके, तो एक अलग कॉन्सेप्ट लाया। तो इसी तरह वो भी एक पेट एनिमल, एक पेट जैसे ही हम लोग घर में उसको रखते हैं, तो आज हम लोग ने उसको गार्डन में रख के लोगों को एक एजुकेशन के माध्यम से उनको एक सहारा मिलता है और लोग भी आके एंटरटेनमेंट भी होता है। तो इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट लेके हम लोग पेट पार्क जैसा है, फिश पार्क है, और इस तरह का डेवलपमेंट हम करते रहते हैं। पता है कि पेट्स तो हम लोग को वोट नहीं देने वाले, लेकिन जानवरों के प्रति हर एक इंसान ने अपना एक सहानुभूति दिखानी चाहिए, और जानवर बोलते नहीं लेकिन हम अगर उनको सहानुभूति दिखाएंगे तो मेरे ख्याल से उनको प्यार मिलते रहेगा, और ये प्यार की हमें ज़रूरत है।